क्या हुआ माँ? तैयार हो जाओ, गौड़ा जी को भाड़ा देने जाना है। दीदी दीदी, हाँ, हमारे होटल के पास झगड़ा हो गया है। ए, तुम लोग इस तरह बाहर क्यों खड़े हो? हाँ, और इस वक्त होटल क्यों बंद रखा है? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया बताओ? दीदी, क्या किया बता ना, क्या हुआ? आराम से पूछो ना क्या हुआ है, क्योंकि जो भी हुआ इसमें इनकी गलती नहीं थी। ये कमीने यहाँ भी आ गए, जान से मार दूंगा इनको तो। मैं क्या बात है दीदी? गौड़ा जी, एक मिनट, आपसे बात करनी है। अंदर आइए। क्या बात है? अब कल रात ये किसी औरत को लेकर होटल में कितनी बार बोला तुझे बस स्टैंड की औरतों को हाथ मत लगाना, और कितनी बार तेरी गलती छुपाता रहूंगा मैं। और दीदी, वही होटल में ही पीकर, और वो कोई बॉक्स रखा है गौड़ा जी। देखिए दीदी, पहले वो मेरा गोदाम था, जब भी माल आता था हम लोग वहीं पर रखते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी लोग वहां पीते हैं तो क्या गलत है? मैं नहीं पीता, ये सभी जानते हैं। मेरे आदमी मेरे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बदले में उन्हें थोड़ा आराम चाहिए होता है, बस इसी वजह से वो लोग वहां जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वहां होटल में है। दीदी, आपके लिए होटल है लेकिन इनके लिए गोदाम। इतनी बड़ी जगह मैंने आपको फ्री में दी है, मैं कोई पागल तो नहीं हूं ना दीदी? जो माल आता है उसके लिए गोदाम चाहिए ही, दिन भर तो फ्री ही रहता है। आपने ही आकर मुझसे इन लड़कों के लिए कुछ मदद मांगी थी, मैंने सोचा था कि इसी बहाने इनकी कुछ मदद हो जाएगी, इसमें कोई गलत है क्या? नहीं गौड़ा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये बच्चे। नहीं दीदी, एक बात जान लीजिए, मार्केट में मेरे पैसों के लेन देन का काम है, उसे ठीक से चलाने के लिए मार्केट के अंदर जो भी लोग मुझसे पैसे लेते हैं उनके अंदर मेरा डर होना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर पैसे पे ब्याज न मिले तो बिजनेस करने का क्या फायदा? मार्केट में कुछ लोग मेरा नाम सुनते ही डरते हैं और कुछ लोग इज्जत देते हैं। 4 दिन के बच्चों ने गौड़ा के आदमी को मारा है, ऐसा सुनकर मार्केट में क्या सोचेंगे लोग? क्या इज्जत रहेगी मेरी? इतने सालों से जो भी साख मैंने मार्केट में बनाई है इनकी वजह से बर्बाद हो जाएगी, नहीं चाहता। ए, तो चुप रह, ये गुस्सा वहां दिखाना चाहिए था, एक एक को मारकर फेंक देना चाहिए था, जहां खोया है वहीं ढूंढना चाहिए। दीदी, आप बच्चों को लेकर होटल के पास जाइए, नंजा वहां जाएगा, इन बच्चों को 2-4 हाथ मारेगा, चुपचाप इन्हें मार खाने के लिए बोलिएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मार्केट में फिर लोग बात करेंगे, गौड़ा के आदमी से पंगा लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। गौड़ा जी, ए, लेकर जाओ इन्हें। गौड़ा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। चल, 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 निकाल, निकाल। गौड़ा जी, बाहर निकल। दीदी, आज ये सब होने दो, कल से होटल चला सकती हैं आप। ए नंजा, आज से सिर्फ रात को ही तुम लोग वहाँ जाओगे, ठीक है ना? जाइए दीदी। दीदी, अगर मार खाने के डर से ये बच्चे वहां से भाग गए तो क्या होगा? दीदी, मार्केट में जो अपमान हुआ है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो एक काम करते हैं, आप रुक जाइए, इनको वहां जाने दीजिए, लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं आपको भेजूंगा, लेकर जाओ बच्चों को। नहीं, आगे बढ़ता रहे। दीदी, निकल यहाँ से, छोड़ दो मैं। भाई, दीदी, दीदी, छोड़ दो। ए, जल्दी निकल बाहर, चल चल बाहर निकल। ए, पाँव में मेहंदी लगाई है क्या? चल उतर, जल्दी चल, चल बाहर। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, हम अभी आते हैं, चलो गाड़ी घुमा लो, चलो चलो। Thank you.
आओ आओ, कैसे हो? मजा आ रहा है। <आगे। laughs> चिकन विकन तो बड़ा मस्त रहा कल रात का, सॉलिड पार्टी हुई। ये सब क्या है, चार बच्चों को मारने के लिए इतने सारे लोग आए हो? सुबह जो जो खड़ा होकर यहाँ पर पिक्चर देखा था उन सबको खड़ा करो इधर। बोला बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, चल बैठो यहाँ पे। ये तू क्या कर रहा है भाई? वीडियो बना रहा हूँ, फेसबुक में डालूंगा। डाल डाल, अपनी भी क्या वर्ड है, सबको पता चलने दे। चल डाल, सही बना रहा है। पहले कौन मारेगा? भाई पहले मैं मारूंगा, मैं मारूंगा भाई, मैं मेरे को जान दूंगा, मैं मारूंगा। तू कराटे मास्टर है ना? हाँ भाई, हाँ। तेरा कराटे क्या है आज दिखाई दे। ए केतन, इधर आ बे। मार इसको। ए आगे बढ़। अबे बिल्ट अप क्या दे रहा है, मारना। क्या बात है, जोरदार घोसा मारा। ये हो गया बात। ए कैसा मारा भी इसको, ये तो उठ के खड़ा हो गया। तेरे तो यही। दीदी को भी कॉफी दो। दीदी, आपके पति की वजह से उनसे कर्जा लेकर आज इस काम को इतना बढ़ा पाया हूँ कि आज भगवान की दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे लिए एक देवी की तरह हैं दीदी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। पति के मरने के बाद आप अभी भी वैसी ही हैं दीदी। आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बस दो तीन हाथ मारकर छोड़ देंगे। वो लोग बच्चे हैं दीदी, लेकिन आप बड़ी हैं, आप सब कुछ समझ सकती हैं दीदी। अंदर ले जाकर रख दे। दुबा, चल इधर आ। आजा आजा। ए मोटे, जल्दी आ। आजा आजा, चल जल्दी। आजा आजा। अरे इसको मैं मारूंगा। इसको मैं मारूंगा। अच्छा मोटे को मैं मारूंगा। भाई मोटे को मैं मारूंगा। मैं जान से मारने का। तू भाई सबके सामने मत मारना, बेइज्जती हो जाएगी। अंदर चलकर मारो मुझे। सबको पता है इसलिए तो मैं यहां पे आया है। चल मार इसको। चल 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 मत मार। मार मार मार। भाई सबके क्या हुआ, मार पड़ते ही लगता है सब कुछ इसको याद आ गया। चल तू आ। रुक। हे बाला, धनजा को फोन करके पूछ वहां क्या चल रहा है। धनजा को गुस्सा कुछ ज्यादा ही, कहीं बच्चों को जान से मार दिया तो। ये देख, उसको बुलाया तो ये। आजा 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 बकरे, चल तू ये हलाल करते हैं। भाई इसको तो मैं ही मारूंगा भाई, मेरे को एक मौका दे दो इसको मारने का। देखने में तो ये सबसे ज्यादा चिकना लग रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई। मेरी चप्पल निकाल, चप्पल निकाल के दे। मारो मारो भाई मारो। दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? कितना क्या हुआ? ये कौन है? खून बह रहा है। अरे ये कौन है? फैमिली सेंटीमेंट लोग। कौन है तू? नहीं भाई, नहीं भाई। अच्छा दीदी की बेटी है तू? ये हट गया। अरे दीदी की बेटी कितनी सुंदर है। अरे मैं सोने का तोता छोड़ के कौवे के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अरे दीदी की बेटी क्या चीज है? उसको भी देखा भाई। नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं भाई,
इंस्पेक्टर, मार्केट में हो क्या? स्पॉट में ही हूँ। कुछ ज्यादा ही मार दिया क्या? थोड़ा ज्यादा ही मारा है। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, जो भी खर्चा आएगा सब मैं दूंगा। चलो चलो बैठो, अंदर बैठो, जल्दी बैठ बैठो। ए, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? सर, इनकी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। ए, जाओ यहाँ से। ए, बंद करो इसे। क्या बोला डॉक्टर ने? दीदी, दीदी आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? अंदर चलिए ना, कुर्सी पर बैठिए। बाला, एक कुर्सी दो। दीदी चलो। क्यों? अंदर चलो ना दीदी, बताती हूँ, चलिए तो। मुनीश, गाड़ी निकाल। ए बाला, चल जल्दी, दीदी को लेकर आ जा। नमस्कार डॉक्टर, सबको ट्रीटमेंट दिया? हाँ जी, सबको ट्रीटमेंट दिया, किसी चीज की कमी नहीं हुई? नो प्रॉब्लम। हे, जाने दे अभी। हे हे, क्या हुआ? हे क्या हुआ? किसने मारा? किसने मारा तुम लोगों को? किसने मारा? डॉक्टर, डॉक्टर क्या ये सब? क्या ये? डॉक्टर, डॉक्टर क्या ये? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट। हे डॉक्टर, किसने मारा इन्हें? डॉक्टर, डॉक्टर ये मेरे लोग हैं। डॉक्टर, बताता क्यों नहीं? उन लोगों को क्या पता होगा? तुम बड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब किसकी इज्जत गई, उन लोगों की या तुम्हारी? कहाँ है वो चारों बच्चे? मेरे बच्चे भागने वालों में से नहीं है, तेरी तरह डरपोक नहीं है वो। दादाजी, बोलिए गौड़ो जी। है, लाओ उन्हें, वो मुझे अभी चाहिए। मेरे पास पुलिस स्टेशन में ही क्या है? भाग रहे हो तुम, उन्हें बचा रहे हो क्या? नहीं गौड़ो जी, अभी तक एफआईआर नहीं बना है। आइए ना, बैठकर बात करते हैं। है, आने दो, मैं देख लूंगा उन्हें। गौड़ा जी, अभी एफआईआर लिखूंगा तो तुम्हारा पुराना सब बाहर आ जाएगा। है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। भाई, भाई, नंजा। क्या हुआ नंजा को? हॉस्पिटल में नहीं है, मेरे पूरा हॉस्पिटल देख लिया भाई। ए, क्या किया उसका? दीदी उसके घर में है। उसके घर में है तो फिर? अ
अगर दीदी आएगी तो ही मंजा मिलेगा। तुम लोग जो कह रहे हो सही है, लेकिन होटल गौड़ा के नाम पर है। तुम में से कोई भी कंप्लेंट देगा तो भी मैं एक्शन नहीं ले सकता हूं, वो केस भी नहीं बनेगा। अब सुनो, मेरी बात मान लेना, मैं गौड़ा से बात करता हूं, उससे पंगा लिया तो यहां जीना मुश्किल है। बात मानो, ये गांव छोड़कर तुम लोग कहीं दूसरे गांव चले जाओ। और हमारा होटल? अरे मेरी बात मानो। सर, आपके लिए एक नौकरी है, रहने के लिए घर है, आपकी देखभाल करने के लिए आपके माता पिता भाई दीदी सब लोग हैं, लेकिन हमारे लिए सब वो होटल ही है सर। ए, छोड़ दे। ए प्रसाद। सर। उसे ले जाओ और घर पर छोड़कर आओ। ओके सर। जरा फोन दीजिए सर। हेलो। उन्हें नंजा दे दो। भाई मैं पहुंच गया। हे, नंजा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मेरा रास्ता मत रोकना, मैंने पहले ही फोन पे कहा था, अगर मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो मार्केट का हर आदमी मेरे सर पर बैठकर सुसु करना शुरू कर देगा। जी, मैंने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है, मेरी बात मानिए। इन्हें सपोर्ट कर रहे हो तुम? सॉरी। ठीक है, मुझे सब नहीं चाहिए। दीदी को छोड़ेगा तो नंजा को छोड़ूंगा, जिसने बोला था सिर्फ वो मुझे दे दो। कौन था वो? मैं भाई। नहीं नहीं, मैंने कहा था गौड़ा जी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कहा था। क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को छोड़ना मत, वो लोग बचते नहीं चाहिए। उनके साथ क्या करना है मैं जानता हूँ, तुम फोन रखो। गौड़ा जी, वो होटल? पहले उन बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, बाद में होटल के बारे में सोचते हैं। हाँ गणेश सर, इन सबको अपने साथ लेकर जाओ, बढ़िया से खाना खिलाओ। ओके सर। फिर मार्केट में छोड़ देना। ठीक है सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए डुब्बा, SBM ग्रीन ड्रेस में आई थी, इसका मतलब वो मान गई है। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ है वो लोग? जहाँ आपने बोला था वहीं पर ले आया हूँ। ए, चलो उतरो। वे, उतरो ना, जल्दी करो। सुनिए, आपने हमें यहां पर लाकर क्यों छोड़ दिया? ए, बकवास मत कर, चल जा। मंजू, ये क्या? Ha 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 ha
लड़कों को उड़ा दूं क्या? अपने हाथ में खून नहीं लगना चाहिए। उनके हाथ पैर बांध कर अलग अलग ट्रक में डाल दो। उनका नसीब अच्छा रहा तो जी जाएंगे। मने इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? अच्छा तो ठीक से समझा ना भाई, वो लोग वापस लौट आए हैं। अरे कौन लौट आए? अरे वही चारों होटल वाले लड़के। क्या कहा, फिर से होटल खोलोगे? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के क्यों नहीं खोल सकते हैं दीदी? हमारे मेहनत की कमाई है ना वो। जीने के लिए हजारों रास्ते हैं, वो जगह उन लोगों की है। जगह नहीं होने से क्या होता है, हमें वो जगह नहीं चाहिए, हम वहीं पर एक नई जगह लेंगे। फिर से पंगा क्यों लेना है? जहाँ खोया है वहीं पर ढूंढना है दीदी। क्यों? उन लोगों ने जहाँ खोया था वहीं पर ढूंढ कर लिया ना, तो फिर हम नहीं कर सकते? जैसा हमें मारा है ना उन लोगों ने, अब उन लोगों को वैसे ही मार पड़ेगी। दर्द क्या होता है, खून क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, ये सब अच्छी तरह से उन लोगों ने हमें दिखा दिया है। देखो बच्चों, जानबूझकर आग में हाथ मत डालो। आखिर हमारी क्या गलती थी, इसकी क्या गलती थी बताइए? मार्केट में हमें आने नहीं दे रहे वो लोग। ऐसा नहीं फिर से कुछ हुआ। जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, हमें उनसे अपना हिसाब चुकाना है और हम ये करके ही रहेंगे। मानते हैं कि हम लोग उन सबको नहीं मार सकते हैं, लेकिन भाग जाए, इतने बड़े कायर भी तो नहीं है ना हम। ओहो, बड़े लोगों से पंगा ठीक नहीं। बड़े लोग मतलब? ओ अच्छा, उसकी उम्र हो गई है। बोलूं क्या गौड़ा को, दीदी आपको बूढ़ा कह रही है? क्यों यार, अपन दीदी को एकदम फिट रखेंगे। क्यों गोंडा जी, हमने गेस किया था आप अकेले ही है नॉमिनेशन के लिए। गौड़ा जी के सामने रहते हुए उनके ऑपोजिशन में आखिर कौन खड़ा हो सकता है? वो तो पता है, फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए शाम तक इंतजार करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो कल ही रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। गौड़ा जी, इस फाइल में फॉर्म्स हैं, ये लीजिए, इसे फिलअप करके मुझे दे दीजिए। सर नारियल पानी पियेंगे? नहीं गौड़ा जी, सोडा पियेंगे। अच्छा गौड़ा जी, आप इस पोजीशन में कितने सालों से हैं? करीब 15 सालों से। 15 सालों से आप भाई अकेले ही? सर ये लीजिए। लीजिए भाई आप। नहीं नहीं आप पीजिए। गौड़ा जी ये देखो कितना शांत है, ये थोड़ा सा हिलाने से ही ये ज्वालामुखी बन जाएगा, ये है गोली सोडा। क्या दीदी फिर से छेड़ने आई हो क्या मुझे? हमारा जो कुछ लिया है उसे वापस लेने आई हूं। वो होटल क्या तुम्हारे बाप का है? वो सिर्फ होटल नहीं है, हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है। मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या इंस्पेक्टर, क्या ये सब? मुझे क्या पता, मैडम ने कहा नॉमिनेशन भरने जा रही है, इसे सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हम आए। नॉमिनेशन इस मार्केट में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर जीत सकते हो? जीत तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। एक भी वोट नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, इतने सालों से इनके सामने खड़े होने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर हम खड़े हुए तो आपकी हार पक्की है। 15 सालों से आपकी बनी हुई इज्जत की दीवार थोड़ी सी भी हिलेगी तो बहुत है। ए, ए, क्या सर, कैसे हो सर? क्या हो सर, सब अच्छा चल रहा ना सर? नमस्ते गौड़ा जी। यही है तुम्हारे सामने खड़े होने वाला कैंडिडेट। जैसा तुम्हारा लेवल है ना, उसी लेवल के हिसाब से हम लोगों ने इसे चुना है। अबे चुप रह गौड़ा जी, ये आपसे वोट मांग रहा है। वोट हमने जो दिया उसे इतनी जल्दी भूल गए क्या? भूलने के लिए तुमने कोई सब्जी नहीं दी है हमें। ए, ए, शांत रहो गौड़ा जी, अभी छोटे बच्चे आपका सामना कर रहे हैं, इनके बड़े होने तक सावधान हो जाइए। तो तुम चाहते हो कि मैं इन बच्चों से डर जाऊं? सेटलमेंट करने के लिए सारा मामला रेडी कर दिया है। अच्छा यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो?
गलत कर रही हो दीदी। युद्ध के लिए तुम हाथी के सामने खड़ी हो रही हो, चीटी के सामने नहीं। मेरे पास उसे वश में करने की शक्ति है। हे, तेरी शक्ति मेरा बाल भी पाका नहीं कर पाएगी। प्राइम मिनिस्टर बहुत देर से आ चुका है यहां पर। नमस्ते। नमस्ते बड़ा जी। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। क्यों गौड़ा जी, अपनी दाढ़ी अपने इतनी बड़ी बड़ी कर ली है? अपने गौड़ा जी के यहाँ एक छोटा गौड़ा जी आने वाला है, उसी खुशी में। ओ, तब तो हमें एक और वोट मिल जाएगा। गौड़ा जी, बात यह है कि आपके पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें हमारी पार्टी में ही रहना चाहिए, तभी तो हमारी पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। मार्केट में 300 दुकानें हैं, समझ रहे ना? 400 से 500 परिवार आपके पीछे खड़ा हुआ है। जीतना तो छोड़िए गौड़ा जी, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई। इस बार आप ही जीत रहे हैं ना? अब ये बैठ बे। कहाँ जा रहे हो? क्यों बे? मार्केट में शूटिंग चल रही है, बहुत सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। शूटिंग रेडी स्टार्ट साउंड। दीदी का होटल कल से दोबारा शुरू हो रहा है। इडली के साथ चटनी फ्री, पूरी के साथ भाजी फ्री, चावल दाल के साथ पापड़ अचार प्लस वाटर फ्री। शुरू करने वाला श्री 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 चिरंजीवी माजी आलियास तांत्रिक। आया तो मैं हूँ। आपका स्वागत करने वाला मंजा केटा दुबा चीका। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? क्या प्लान है तुम्हारा? तांत्रिक, तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, पूरा मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में है, हमारा होटल तुम्हें दिलवाना ही होगा। hey, तुम सब मिलकर मुझे डुबाने के लिए सोच लिया है क्या? क्यों अब प्लान ए। प्लान ए मतलब ये लोग मिलकर कुछ करने वाले हैं, मुझे भी इन लोगों के साथ रहकर हिम्मत दिखानी होगी। प्लान बी। कोई साउंड नहीं आ रही है, लगता है प्लान में कुछ चेंज है। ये लोग कहाँ गए? मेरा प्लान सी। प्लान सी। अरे बाबा मर गया जल्दी। Hey!
आज फिर पुलिस की गाड़ी आ गया। नमस्ते साहब। ए, तेरे को मैं ही मिलता हूँ। हाँ पी तो रखी है, क्या कर लोगे आप बताओ ना। हाँ मिले कि नहीं? आगे पुलिस वाले हैं भाई। आज कितनी भी देर होने दो, उन लोगों को छोड़ना नहीं बोलता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूँ। लाइट किसने बंद की? हे, किसने लाइट चलाई? बंद करो। ये क्या है जी? दीदी आप चलिए। ये चलिए, सब कैसे बता दिया आपने? आप चलिए ना, लोगों को कल सुबह मंदिर जाना है। चलिए प्लीज चलिए, बंद कीजिए। चलिए सर। क्या हुआ, बहुत तेजी से भाग रहे हो? सर इस बार तो पुलिस टाइम पर आ गई, मुझे लगा फिल्मों की तरह पुलिस इस बार भी लेट ही आएगी। अभी कहाँ खत्म हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। सब लोग यहीं पर हैं, इसका मतलब गौड़ा घर में अकेले ही होगा। अंदर तू पागल हो गया क्या? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुझे डर लगता है तो बोल, मैं करूंगा। लड़के रात में घर आए क्या? लेट से आए थे माँ, ऊपर सो रहे हैं। क्यों, रात को लेट क्यों आए थे? एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था दीदी, वही करने गए थे। क्या बात है, सब जोश में लग रहे हो? अब से पूरा मार्केट ही जोश में रहेगा। ये क्या कह रहा है तू? वो क्या है ना दीदी, वो मैं दीदी वो मैं ए, क्या हो गया रे, ये कर रहा है? माँ मैं स्कूल जाती हूँ, टाइम हो गया है। क्यों, एक दिल के लिए एक फ्लावर, तेरे बाल बनाकर तुझे भी फूल बांधूं? मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं करने का। दीदी, 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 क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? जीजा क्या हो गया,
क्या हुआ जी? हे भगवान, बच्चे के नाम पर पाल रखे थे, अब भगवान कैसे चुप रहेंगे? मेरा बच्चा जिंदा पैदा होगा क्या? हेलो, चल जल्दी बैठ। अबे मेरा थोपड़ा क्या देख रहा है, उठा उसको। चल 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 पकड़ उसको। कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो? छोड़ो मारी रहे, पकड़ो। रुक, चल। तलवार लेकर आ, लेकर आ जल्दी। हे, कहाँ भाग रहा है? रुको, रुको। हे, जल्दी आ, चल। क्या करूं? ए, ए, आ, आ, छोड़ माँ। बच्चों, पवित्रा कहाँ जा रही हो? देखो, मेरे पापा आए हैं। सोचकर छोड़ दिया तो मेरे ही घर में घुसेगा। अब तक तुम लोगों ने सीधे साधे गौड़ा को ही देखा है, लेकिन ये गुस्से वाले गौड़ा को नहीं देखा है तुम लोगों ने, आज दिखाता हूं। प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने आए हैं? हेडमास्टर का रूम वहाँ है, वहाँ जाकर ले लीजिए। पापा पापा, ये दीदी ना मुझे डेली ट्यूशन पढ़ाती है। चलो बच्चों, आ जाओ। पवित्रा तुम भी आ जाओ। बेटा चलो, चलो, तुम अभी क्लास में जाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। वही है सर। ओ मिस्टर, एक मिनट। अपनी बच्ची को स्कूल में ज्वाइन करवा के आपने आना ही छोड़ दिया? आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। हे, दो चाय लेकर आओ जल्दी। हे,
मुझे मार देंगे तो आपकी बेटी को पढ़ाएगा कौन? अगर आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं तो ये खून खराबा छोड़ दीजिए। साइड हो, चल हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। अरे हटो, अरे हटो ना, चलो दूर हटो, दरवाजा खोलो, बच्चों बच्चों दरवाजा खोलो, बच्चों। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने गौरा को? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मारा कैसे आपको? ये हमारा गुस्सा नहीं जानते। जाओ जैसे, जाओ जाओ, चलो जाओ, जाओ चलो चलो, भाई मना कर रहे हैं, चलो चलो चलो, मार चलो, जाओ, चलो चलो, भाई ने माफ कर दिया, इनको माफ कर दिया। मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, कहा था ना। चलो चलो बैठो, चलो। सुन लो, शटर ओपन हो गया तो तुम सब मरोगे। हम लोग कचरे में पैदा हुए, कचरे में जाने से हम डरते नहीं है, लेकिन हम तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेगा, क्या तेरे सर का बाल काटा है, अब तेरा सर काटने में कितना देर लगेगा? तू अभी तक नहीं समझा ना, हा? हमने क्या खोया तू अभी तक नहीं समझा ना? लॉरी के ड्राइवर ए छोटे, ए बच्चे, ए कुली जैसे बुलाते थे, मगर अब दीदी के होटल के लड़के हैं हम लोग, इसी होटल से हमारी पहचान बनी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है जानता है?
किसी एक की पहचान को मिटाना। इस शहर में तेरी इज्जत है ना, लोग तुझसे डरते हैं ना, पर अब देखना मार्केट में तेरी इज्जत को नंगा कर देंगे हम, बर्बाद कर देंगे तुझे। हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की थी ना, अब हम बताएंगे कि हम क्या चीज है। पूरा मार्केट तुझे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा तेरा पता है? हमें मारकर बिना कपड़ों के रास्ते पे फेंक दिया था ना, अब तेरा भी वही हाल होगा देखना। ए बकवास मत करो, चट्टी उतारो इसकी। क्या कर रहे? बोल दो क्या शटर खोलेंगे, तू जा और खोल दे, सब लोग को देखने दो इसे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी जान ले लो लेकिन मेरी इज्जत मत लो। इज्जत चली गई तो कैसे जीऊंगा, इससे अच्छा मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो, मार डालो मुझे। हम खराब लड़के नहीं हैं, ये शायद अब आपको समझ में आएगा, हमें आपकी इज्जत खराब नहीं करनी। मार्केट में जो बोरियां आती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो एड्रेस लिखा रहता है, लेकिन उसे उठाने वाले हम लोगों का कोई एड्रेस नहीं है, कुछ पहचान नहीं है, हमें अपना पहचान बनाने दीजिए। आपने हमसे ये होटल छीन के हम चारों को जीते जी जान से मार दिया था गौड़ा जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ है।